तो फाइनली दोस्तों चेनसॉ मैन इज हेयर। तो दोस्त जिस एनीमे के लिए इतना ज़्यादा हाइप होना चाहिए फाइनली दोस्तों वो आ गया है और उसका नाम है चेनसॉ मैन और उसका जो ऑथर है उनका नाम है तात्सुकी फुजीमोतो। और दोस्तों ये है मेरा चेनसॉ मैन का फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ राज, ये देसी ओटाकू ब्रो। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों चेनसॉ मैन का जो मेन कैरेक्टर देंजी वो हमारे सामने आ चुका है, माकिमा भी हमारे सामने थोड़ी देर के लिए आ चुकी है। और चेनसॉ मैन का जो पूरा जी एपिसोड था ये पूरा इनसेन एपिसोड था, मतलब जो वर्थ द वेट था, मुझे लगता है ऐसा वर्थ द वेट था। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जितना हाइप इस एनिमी के लिए किया गया है उतना हाइप किसी भी एनिमी के लिए आज तक नहीं किया गया। सुबह से चेनसॉ मैन ट्रेंड में चल रहा था ट्विटर में कि चेनसॉ मैन आ रहा है। उसके बाद जब मापा ने वो ड्रॉप किया, मतलब क्रंची रोल शायद कल क्रश्ड हो गया था 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के अंदर ही क्रंची रोल पूरा सर्वर ब्रेक हो गया था, मतलब इतना हाइप था चेनसॉ मैन का। और दोस्तों बहुत ही ताजुब की बात यह है कि चेनसॉ मैन इंडिया में नंबर 2 पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, मतलब मैं तो देख के शॉक्ड हो गया। मतलब इतने सारे ट्वीट्स सिर्फ एक एनिमी के लिए चेनसॉ मैन, मतलब ये एनिमी में क्या था। जब इस एनिमी के अनाउंसमेंट हुआ था बहुत साल, अब 1 साल पहले शायद इसका अनाउंसमेंट होता था, मुझे पता था ये मापा करेगा, तो मापा तो बुरा प्रोजेक्ट उठाता नहीं है, वो ज़रूर कोई अच्छा प्रोजेक्ट उठाता है। तो इसीलिए मेरा हाइप बहुत ही ज़्यादा था। और हालांकि मैंने जुजुत्सु काइसन देखा हुआ है, जुजुत्सु काइसन का एनिमेशन भी बहुत ही अच्छा था, तो उससे मापा के ऊपर रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि मापा बहुत ही अच्छा करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्टोरी है चेनसॉ मैन का, सब लोग बोल रहे थे, मैंने यूट्यूब में बहुत बार देखा है चेनसॉ मैन का जो मेन जो स्टोरी है वो बहुत ही गॉड लेवल स्टोरी है, मुझे ये ऐसा लगता है। और इसका जो कैरेक्टर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने ये एपिसोड देखा ना कल, मतलब इट्स ब्लो माई माइंड दोस्तों। मतलब जो फर्स्ट हाफ में हम लोगों को दिखाया गया देंजी का बैक स्टोरी, कैसे उसके बाप ने वो फिरौती लिया है और देंजी उस फिरौती को पूरा कर रहा है, अपना किडनी बेचकर, अपना आँख बेचकर और अपना वो भी बेचकर, मतलब वो नहीं बोल सकता, आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब जो देंजी का स्ट्रगल दिखाया है वहाँ पर। और जब उसके बाद मैं तो शॉक्ड हो गया कि पहले एपिसोड में मेन कैरेक्टर मर गया, जब मेन कैरेक्टर मर गया। और दोस्तों ये पूरा स्पॉइलर रिव्यू होगा, तो दोस्तों जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा अभी तक वो इस वीडियो को मत देखे। तो दोस्तों यहाँ पे देंजी जब मर जाता है तब मैंने सोचा कि ये कैसा है, नहीं मैंने मतलब ये इसका बिल्डअप थोड़ा स्लो हुआ था, लेकिन मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा जो देंजी का हम लोगों को पार्ट दिखाया गया। लेकिन उसके बाद जब देंजी चेनसॉ मैन बनता है, पोचिता उसके अंदर कंज्यूम होता है और उसके बाद जब देंजी एक्शन में आता है ना, वो सीन ऑसम, मतलब उसका जो मापा ने बोला ही था ये पूरा अनसेंसर्ड होगा, मतलब वो लोग कुछ भी सेंसर नहीं करेंगे, और वही देखने को मिला दोस्तों लास्ट में जो एनिमेशन दिखा। वो वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा था, मतलब आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि मैं मुझे कितना अच्छा लगा एपिसोड 1। और इसके जो अभी तक शायद 13 एपिसोड इस सीज़न में आएंगे, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाइप है इस सीज़न के लिए। और दोस्तों मैंने ये भी सुना है कि हर एक एपिसोड का एंडिंग अलग अलग सिंगर्स लोग गाएंगे। और दोस्तों इसका जो ओपनिंग सॉन्ग है ना वो भी बहुत ही ऑसम है, मतलब मैं तो ऑब्सेस हो चुका हूँ उस ओपनिंग सॉन्ग से और उसका जो विजुअल्स थे। और दोस्तों हालांकि चेनसॉ मैन एनिमी रात को डिलीवर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में वो ट्रेंड करा और चेनसॉ मैन का जो हाइप है वो वर्थ था हाइप। और दोस्तों इसके जो आगे आने वाले एपिसोड्स हैं उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू चेनसॉ मैन के एपिसोड 1 को लेके। और आप लोग और जो गर्ल है माकिमा, जिसके लिए पूरी दुनिया सिम कर रहा है, हाइप कर रहा है, वो क्या गर्ल है, मुझे जो एपिसोड 1 है उसमें तो उतनी अच्छी तरह से माकिमा सिर्फ कुछ ही देर के लिए आई थी, लेकिन इसके बाद जब वो आएगी तो उसका क्या कैरेक्टर होगा वो भी मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा हाइप हूँ इस सीज़न के लिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस सीज़न के पर एपिसोड का रिव्यू चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये रिव्यू अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बाय, गुड बाय।